हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने लेसन नंबर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ये शुरू कर दिया है और मेरे पिछले दो वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 22 एंड 23 सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आगे भी समझने में आपको आसानी हो जाए। तो आज हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व एग्जांपल से कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेंगे 7/4। ये 7/4 है तो हमको क्या करना है, 4 से 7 को डिवाइड करना है। तो ये 7 है तो इसको हम 7.000 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। पॉइंट के बाद में आप कितने भी जीरो दो तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पॉइंट है और ये जो जीरो हम नीचे लेंगे तो इसलिए यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, राइट। आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 7 = 28, तो यहाँ आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। फिर ये जीरो नीचे लेंगे तो क्या आएगा, 4 × 5 = 20, तो ये 20 − 20 करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आता है रिमाइंडर तब तक हमने ये किया, तो क्या आएगा, 7/4 = 1.75, तो ये है हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 × 1/5, तो इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 5 + 1 क्या आएगा, 5 × 2 = 10 + 1 = 11/5, तो 11/5 को अब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 5 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 के आगे पॉइंट देकर 0 ले लेंगे, 5 × 2 = 10, 10 को माइनस किया तो आता है 1, ये पॉइंट के बाद में का 0 हम ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम देंगे पॉइंट, 5 × 2 = 10, यहाँ आ जाएगा 0। आंसर क्या आएगा हमारा, 2 × 1/5 = 2.2, सो दिस इज आर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/3, 3 से 5.00 को डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, माइनस हो जाएगा आएगा 2, ये हम 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देंगे पॉइंट, तो 3 × 6 = 18, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर से हम ये 0 लेंगे तो 3 × 6 = 18, 2, तो ये देखिए जब 3 × 6 = 18 करेंगे फिर से 2 रिमाइंडर आएगा, फिर से 3 × 6 = 18 करेंगे फिर से 2 रिमाइंडर आएगा, फिर से हम 0 लेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर हमारी रिपीट होने वाली है। दैट मीन्स ये जो 6666 है वो रिपीट होने ही वाला है। तो इसके लिए हम आंसर कैसे लिखते हैं, 5/3 = 1, ये 6 जो है ये रिपीट होने वाला है इसलिए ये 6 जो है इसके ऊपर हम क्या देते हैं, डॉट दिया, इसका मतलब होता है ये 666 रिपीट होने वाला है, राइट। 5/3 = 1.6 ; 5/6, नीचे वाला नंबर जो है इससे हम डिवाइड करेंगे, बीच में छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है ये हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 6 ये 5 से बड़ा है तो डिवीजन नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर पहले 0 दे देंगे, 0 × 6 = 0, तो यहाँ पर 5 आता है और हम 0 ऊपर से ले लेंगे तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे। अब 6 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 8 = 48, यहाँ 2 आएगा, फिर से 0 लेंगे तो 6 × 3 = 18, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, फिर से 0 लेंगे, फिर से आएगा 6 × 3 = 18, फिर से 2 रिमाइंडर आएगा। तो अब क्या होने वाला है, ये 3 3 3 3 रिपीट होने वाला है, राइट, 3 रिपीट होने वाला है लेकिन 8 रिपीट नहीं हुआ है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 5/6 = 0.833, के ऊपर डॉट देंगे, दैट मीन्स 3 ये जो नंबर है ये रिपीट होने वाला है, राइट। तो ये हमारा आंसर है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करके देख लिए जो हमारे सॉल्व एग्जांपल में थे, अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 24।
हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 13/4, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली हम डिविजन करेंगे, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, यहाँ पर 0.00 लेंगे, माइनस यहाँ पर आएगा 1। अब ये पॉइंट के बाद में का जीरो हमने लिया इसलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, 4 2 8, यहाँ पर आया 2, ये फिर से जीरो हमने लिया, 4 5 20, तो यहाँ आता है रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 13/4 इज इक्वल टू 3.25। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, -7/8, यहाँ पर माइनस साइन हम बाद में लिखेंगे, पहले 7/8 का डिवीजन कर लेंगे। लिखते हैं 7.00, जीरो कितने भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 तो छोटा नंबर है इसलिए यहाँ जीरो लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 7। अब पॉइंट के बाद में का जीरो हम नीचे ले रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 8 से 70 को डिवाइड करेंगे, 8 8 64, तो नीचे क्या आता है 6, फिर से जीरो लेंगे, 8 7 36, तो रिमाइंडर आता है 4, फिर से एक जीरो लेंगे, 8 5 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा आंसर है -7/8 इज इक्वल टू माइनस साइन, अब हम आंसर के लिए यूज करेंगे -0.875। सो दिस इज आवर आंसर। 7 integer 3/5, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 7 35 35 + 3 38/5, राइट। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 38 को डिवाइड करेंगे, 5 7 35, यहाँ आता है 3, ये 38.00 लेंगे। अब 0 आगे का हम ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, 5 6 30, तो हमारा आंसर आता है 7 integer 3/5 = 38/5 = 7.6। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 5/12, 12 से 5.000 को डिवाइड करना है, 12 0 0, यहाँ पर क्या आता है 5, ये 0 लेंगे इसलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, 12 से 50 को डिवाइड करेंगे, 12 4 48, माइनस करेंगे तो आता है 2, 0 लेंगे, 12 1 12, यहाँ पर आएगा 8, 12 6 72, यहाँ पर आएगा 8, राइट। फिर से 0 लेंगे, फिर से आएगा 6, तो ये 8 8 8 आने ही वाला है और यहाँ पर 6 6 6 6 आने ही वाला है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 5/12 = 0.4166 के ऊपर डॉट देंगे, राइट। तो ये 6 यहाँ पर रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 22/7, 7 से 22 को डिवाइड करेंगे, 7 3 21, तो यहाँ पर आता है 1, 0 लेंगे यहाँ पॉइंट देंगे, तो 7 1 7, यहाँ आता है 3, फिर से 0 लेंगे, 7 4 28, आता है 2, फिर से 0 लेंगे, तो 7 2 14, यहाँ पर आता है 6, यहाँ पर आता है 7 8 56, तो आता है 4, फिर से 0 लेंगे, 7 5 35, यहाँ आता है 5, फिर से 0 लेंगे, 7 7 49, तो आता है 1 1, यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर भी आता है 1, राइट। मैं आगे करके बताती हूँ, यहाँ पर 1 आया है, फिर से 0 लेंगे तो 7 1 7, माइनस करेंगे तो आएगा 3, फिर 0 आएगा, 7 4 28, फिर से सेम ये यहाँ पर जो आया था वही यहाँ पर आने वाला है, तो देखिए 1 4 2 8 5 7, ये जो आया है तो यहाँ पर भी 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट होने वाला है, तो
इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 22/7 इज इक्वल टू 3.142857। अब फिर से 142857, फिर से 142857, ऐसे रिपीट रिपीट होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पूरा ये पूरा सीक्वेंस रिपीट होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर हर एक के ऊपर डॉट नहीं दे सकते हम, इसके ऊपर देंगे ये बार, तो इसको कहते हैं बार। तो 3.142857 बार, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 4/3, दैट मीन्स 4.00 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 1 = 3, माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 लेंगे यहाँ पॉइंट देंगे, 3 × 3 = 9, 1 आएगा, फिर से 0 लेंगे, 3 × 3 = 9, 1 आएगा, फिर से 0 लेंगे, फिर से सेम सेम मतलब 3 3 3 3 रिपीट होने वाला है। तो 4/3 को हम कैसे लिखेंगे, 1.3 dot, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 7/9, 9 से 7.00 को डिवाइड करेंगे, 0 × 7 छोटा है 9 से, इसलिए यहाँ 0 लिखा है 7, तो यहाँ पर हम 0 लेंगे इसलिए यहाँ पॉइंट देंगे। 9 से 70 को डिवाइड करेंगे, 9 × 7 = 63 आता है 7, फिर से 0 लेंगे तो क्या आएगा, 9 × 7 = 63, तो क्या आएगा, फिर से 7 आएगा, 70, दैट मीन्स 777 यहाँ रिपीट होने वाला है, यहाँ 70 आएगा, फिर 63 माइनस करेंगे, फिर से 7 आएगा, फिर से 70 करेंगे, ये प्रोसीजर पूरी रिपीट होने वाली है। तो 7/9 इज इक्वल टू 0.7 dot, मतलब 777 रिपीट होने वाला है, 7/9 इज इक्वल टू 0.7 dot। तो दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 24। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।